गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? बढ़िया हो? हाँ, तो आप सभी दूसरी कक्षा में हो और अभी हमारा हिंदी का पीरियड है। तो आज हम कुछ एक नई कहानी देखने वाले हैं और मुझे मालूम है कि आपको कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है ना? चलो तो आज हम कुछ नई कहानी देखेंगे। तो हमारी कहानी का नाम है मेंढक और चूहा। हमारा पाठ क्रमांक है 19। मेंढक और चूहा। तो मेंढक का मतलब आपको मालूम है? हाँ, मेंढक यानी कि इसको मराठी में बेडूक कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कहते हैं फ्रॉग। हाँ, और चूहा, चूहा यानी कि इसको मराठी में कहते हैं उंदीर और अंग्रेजी में कहते हैं माउस। ठीक है, तो आज हमारी कहानी का नाम है मेंढक और चूहा। बहुत मजेदार कहानी है, आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगेगी। पर बच्चों, ये कहानी आपको कितनी बार पढ़नी है? दो बार पढ़नी है। ठीक है, तो चलो अभी हम यह कहानी देखेंगे। बीच बीच में जहाँ जहाँ पर आपको शब्द कठिन लगेगा कि ये पढ़ने को नहीं आ रहा है या इसका मतलब आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? पेंसिल से उस शब्द के नीचे अंडरलाइन करोगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो, पेज नंबर है 103। यहाँ पे एक आपको चित्र दिखाई देगा। सभी को दिखाई दे रहा है? हाँ, तो इस चित्र में आपको यहाँ पे एक मेंढक दिखाई देगा और यहाँ पे एक है चूहा और यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है ना? हाँ, और कुछ यहाँ पे पेड़ और पौधे भी है। यहाँ पे एक बिल भी दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो इस तरह से इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि एक मेंढक और एक चूहा कुछ यहाँ पे बातें कर रहे हैं, है ना? हाँ, और एक पत्थर है। वो पत्थर कैसा है? बड़ा है, विशाल है। हाँ, और यहाँ पे एक छोटा सा बिल भी है। हाँ, और यह जंगल का चित्र होगा क्योंकि ये जो जानवर है, ये मेंढक चूहा, ये कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, है ना? हाँ, तो चलो अभी हम कहानी देखेंगे। तो हमारी कहानी का नाम है मेंढक और चूहा। किसी जंगल में एक चूहा बिल बनाकर रहता था। तो यहाँ पे ये जंगल है और इस जंगल में, इस बिल में, यहाँ पे देखो, इस बिल में कौन रह रहा है? एक चूहा। उसके पास ही एक बड़े पत्थर के नीचे मेंढक रहता था। यहाँ पे जो बड़ा पत्थर है, इसके नीचे कौन रह रहा है? मेंढक। दोनों खुद को ताकतवर समझते थे। अभी यहाँ पे ताकतवर यह शब्द और यह बिल, बिल का शब्द दिया हुआ है। बिल तो आपको मालूम है, जिसको मराठी में हम बिल कहते हैं। हाँ, बिल में और कौन कौन रहता है? स्नेक भी रहता है ना? हाँ, सांप सुद्धा बिड़ा रहा तो। हाँ, उसी प्रकार बिड़ा मध्य उंदीर पड़ रहा तो बिल में चूहा भी रहता है। तो यहाँ पे जो ताकतवर यह शब्द जो है, तो ताकतवर का मतलब क्या है? तो ताकतवर का मतलब है शक्तिशाली, जहाँ जिस यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बिल का मतलब क्या है? छेद। ताकतवर का मतलब है शक्तिशाली, जिसके पास बहुत शक्ति होती है ना? तो ये हमारी क्या है? शब्दार्थ है। इसके बाद देखो, चूहा कहता, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं जमीन को खोद सकता हूँ, जमीन में लंबी सुरंग बन
चूहा क्या कहता है, ए मेंढक तुमसे मैं बहुत ताकतवर हूँ, तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, जमीन को खोद कर उसको पूरे कर वहां पे बिल बना सकता हूँ। और वो बिल कैसी है, लंबी सुरंग कैसी है, इतना सा छोटा सा वो ऊपर से दिखता है लेकिन वो बहुत लंबा होता है सुरंग जैसा। ठीक है, तो लंबी सुरंग, सुरंग का मतलब क्या है, जमीन के अंदर बना लंबा रास्ता। पर ये रास्ता किसके लिए है, चूहे के लिए है। तो वो कितना होगा, कैसा होगा, हाँ आपके समझ में आ गया। ठीक है, मेंढक कहता, नहीं मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैंने सिर पर इतना बड़ा पत्थर उठाया हुआ है। तो सचमुच यह मेंढक के सिर पर पत्थर है, बिल्कुल नहीं, वो उस पत्थर के नीचे रह रहा है जो यहाँ पे कुछ जगह बची हुई है, है ना। हाँ ऐसा नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि इस बड़े पत्थर को मेंढक ने अपने सिर पर लिया है, लेकिन इस मेंढक को ऐसा लग रहा है, इसलिए वो भी चूहे को कहता है कि नहीं नहीं तुमसे मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ताकतवर हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, वे हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। चूहा दिन भर चूचू का शोर मचाता और मेंढक रात भर टकराता। तो ये जो दोनों थे वो दोस्त नहीं थे, वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो आपस में झगड़ते रहते थे। ठीक है, और दिन भर चूहा दिन में क्या करता था, चू चू की आवाज निकालता रहता था, और जो मेंढक है वो रात को टर टर टर्राता, यानी कि मेंढक की आवाज जो होती है वो टर टर, उसको टर्राना ऐसा बोलते हैं। ठीक है, हाँ। इसके बाद देखो एक दिन मेंढक चूहे के बिल के बाहर खड़ा होकर बोला, ओ चूहे निकल अपने बिल से बाहर, आज देखता हूँ तुझ में कितना दम है। तो एक दिन क्या हुआ, मेंढक ने क्या किया, चूहे के बिल के बाहर आ गया, यानी कि मेंढक ने क्या किया, जैसे कि चूहे को चुनौती दे दी कि चलो अपने बिल से बाहर आओ, चलो देखता हूँ तुझ में कितना दम है, कितना शक्तिशाली है, तुझसे तो शक्तिशाली मैं हूँ, चलो अपनी शक्ति दिखाएंगे आज। ठीक है, तो अब हम पेज टर्न करेंगे, तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको दूसरा चित्र। तो इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, ये जंगल का ही चित्र है, और यहाँ पे क्या हुआ है, एक बड़ा सा पक्षी है ना। हाँ तो ये पक्षी कौन सा है, यह चील है, हाँ, और इसके एक पंजे में चूहा और दूसरे पंजे में कौन है, मेंढक है। तो ये चील ये दोनों को इस तरह से दबोच कर कहाँ लेकर जा रही है, हम देखेंगे। ठीक है, हम ये कहानी पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो चलो आगे जाइए, मेंढक की आवाज सुनकर चूहे को बहुत गुस्सा आया, चूहा एक सुनने वाला था बिल्कुल नहीं, उसको भी गुस्सा आया, वो बिल से बाहर निकला, अपने नुकीले पंजों से मेंढक को मारने दौड़ा, उसके पंजे कैसे है नुकीले है, और उससे वो मेंढक को मारने के लिए दौड़ पड़ा। मेंढक भी गुस्से से लाल हो गया, मेंढक को भी गुस्सा आया, मेंढक और चूहा दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार खड़े थे। अभी इन दोनों को बहुत गुस्सा आया था और वो झगड़ने वाले थे। ठीक है, उनको देखकर लगता था जैसे अभी बहुत बड़ा खून खराबा होने वाला है, यानी कि यदि हम उन दोनों को उस समय देखते तो वो इतने गुस्सीले थे तब कि वो कुछ न कुछ बहुत बड़ा झगड़ा करने वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो शब्द है खून खराबा, तो यह खून खराबा का मतलब है भयंकर लड़ाई। ठीक है, इसके बाद तभी एक चील उड़ती हुई आसमान में आई, तभी क्या हुआ, ये दोनों भी जो मेंढक था वो
जंगल से बाहर आया था तो दोनों भी उस जंगल की जमीन पर थे, खुले खुले आसमान में थे, है ना। हाँ, तो आसमान में कौन आई? उड़ती हुई चील आई। उसने चूहे और मेंढक को देखा, वह नीचे आई, दोनों को झपट्टा मारकर पंजों में दबाकर ले उड़ी। चील बहुत खुश थी, आज उसे अपने भूखे बच्चों के लिए बढ़िया खाना जो मिल गया था। तो आसमान में उड़ती हुई चील ने जमीन पर ये मेंढक और चूहे को देखा, वो झट से नीचे आई, इन दोनों को अपने पंजों में इसने झपट्टा मारकर, यानी कि झट से, अतः झपट्टा मारना इसका मतलब है एकदम प्रहार करना, यानी कि ऐसे झपट मारकर उसने उसको अपने पंजे में दबोच लिया, ठीक है, पकड़ लिया। और वो सिर्फ रुक गई क्या? बिल्कुल नहीं, उनको दबोचते हुए वह आसमान में उड़ गई। और वो चील आज क्या थी? बहुत खुश थी, उसको बहुत आनंद हो रहा था, क्योंकि उसके पास अभी एक नहीं दो शिकार थी। और ये दो शिकार वो कहाँ लेकर जा रही थी? हाँ, अपने भूखे बच्चों के लिए। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमारी यह कहानी क्या होती है? समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम आपस में लड़ेंगे तो इस लड़ाई का जो फायदा है वो कोई और लेगा, ठीक है। तो हमें आपस में बिल्कुल झगड़ना नहीं है। हाँ बच्चों, ठीक। तो और चूहा आपस में झगड़ते रहे और उनकी शिकार हो गई चील, उन्हें दबोचकर अपने बच्चों के लिए खाने के लिए ले गई, ठीक है। तो आपस में लड़ना क्या है? बुरी बात है। हाँ, आपस में झगड़ते लड़ते बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात सीखी, यानी मैं यहाँ पे कुछ बातें दी हुई है, तो ये बातें हम पढ़ेंगे। मेलजोल की भावना, हमारे आपस में मेलजोल की भावना होनी चाहिए, हम एक दूसरे को कैसे मदद करनी चाहिए। हाँ, शांति से रहना, यानी कि अच्छे से हमें रहना है। सह अस्तित्व की भावना, एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहने की भावना। तो ये तीन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। इसके बाद है शब्दार्थ, यानी कि जो नए शब्द हमारे कहानी में आते हैं, जो हमारे परिचय के नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं शब्दार्थ। तो ये एक से लेकर सात शब्दार्थ है, तो ये सभी शब्दार्थ आपको आपके कॉपी में लिखने हैं। हाँ, और कैसे लिखने हैं? अच्छे हस्ताक्षर में, गोल्ड हैंडराइटिंग में लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने आपके लिए लिख कर दिए हुए हैं। हाँ, इसकी फोटो मैं भेजने वाली हूँ, लेकिन अच्छे से लिखो बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद हमारी बारी आती है अभ्यास की। हाँ, तो यहाँ पे कुछ अभ्यास दिया हुआ है, तो इस अभ्यास में चार सवाल है, तो इन चार सवालों के जवाब अभी हम देखेंगे। तो बच्चों देखो, सोचो और लिखो, यानी कि हमें सोचकर अच्छे से इन सवालों के जवाब लिखने की है। बीर में कौन रहता था? अभी आपको मालूम है ना, बीर में चूहा रहता था, वेरी गुड। इसके बाद दूसरा सवाल, मेंढक कहाँ रहता था? मेंढक एक बड़े पत्थर के नीचे रहता था। इसके बाद तीसरा प्रश्न, चूहा और मेंढक कौन कौन सी आवाजें निकालते थे? चूहा और मेंढक कौन कौन सी आवाज निकालते थे, मालूम है ना अभी आपको? हाँ, तो इस सवाल का जवाब मैंने इधर लिखा है, ठीक है। चूहा चूचू की आवाज
कौन ताकतवर है? चील ताकतवर है। तो ये जो सवाल और ये जो जवाब है ये आपको अच्छे से आपकी कॉपी में लिखते हैं। हाँ बच्चों, ठीक है। इस कौन कहा रहता है बॉक्स से चुनकर सही खाने में लिखो, यानी कि इस बॉक्स में कई सारे पक्षी और जानवरों के नाम दिए हुए हैं। हाँ, और यहाँ पे 1 2 3 इस प्रकार 3 खाने दिए हुए हैं, 3 बॉक्सेस है अलग अलग। तो पहला है जमीन पर रहने वाले, कौन कौन जमीन पर रहता है आपको मालूम है ना। उसके बाद पेड़ पर रहने वाले, उसके बाद पानी में रहने वाले। हाँ, तो यहाँ पे दिए हुए कई जानवर कई पंछियों के नाम है, तो आपको ये नामों में से छांट कर यहाँ पे लिखनी है। ठीक है बच्चों, कर सकते हो अच्छे से। हाँ, तो ये प्राणियों के पंछियों के हम अभी नाम पढ़ेंगे। तो देखो, मगरमच्छ, हाथी, उल्लू, बतख, चीता, तोता, कछुआ, कोयल, मुर्गी, भालू, हंस, मैना, इतने सारे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पेज टर्न करनी है। यहाँ पे देखोगे कौन किसको खाता है, सही सही मिलाओ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या है, 5 चित्र दिए हुए हैं, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 5 चित्र दिए हुए हैं। तो कौन किसको खाता है ये आपको क्या करना है, सही मिलाना है। ठीक है। हाँ, इसके बाद हमारा चौथा सवाल है, चील अपने बच्चों के खाने के लिए चूहे और मेंढक को पकड़ ले गई है ना, आप क्या क्या खाते पीते हो? टिक लगाओ और लिखो, यानी कि यहाँ पे कुछ क्या दिए हुए हैं, हम जो खाते हैं, हाँ, उन पदार्थों के नाम दिए हुए हैं, और कहीं कहीं पे गलत भी नाम है ना। हाँ, तो जो आप खाते हो उन्हीं पे सिर्फ आपको सही पे टिक करनी है। ठीक है। इसके बाद हमारा पांचवा सवाल है, किस किस चित्र के नाम में बड़े उ की मात्रा आती है, टिक लगाओ। यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चित्र दिए हुए हैं, और इन चित्रों के नाम को मालूम है। तो यह नाम लिखते हुए बड़े उ की मात्रा कहाँ किन किन चित्रों के नाम में आती है वही सिर्फ आपको टिक करनी है। ठीक है। इसके बाद हमारा छठा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु मिलाकर चित्र बनाओ और रंग भरो। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, बिंदु दिए हुए हैं, तो यह बिंदु आपको मिलाने हैं पेंसिल से। हाँ, और यहाँ पे आपको रंग भी भरना है। ठीक है बच्चों। तो ये एक्टिविटी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इस प्रकार हम आज यही रुकने वाले हैं। तो बच्चों, तो आज हम यहीं पर रुकने वाले हैं। आज बहुत सारी पढ़ाई हो चुकी है हमारी, है ना। तो ये पढ़ाई आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है आपके नोटबुक में, और जो बच्चे अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखेंगे, उनको मैं देने वाली हूँ बड़ा स्टार। तो आप सभी को बड़ा स्टार चाहिए, चाहिए ना। ठीक है बच्चों, तो मैं सभी को बड़ा स्टार दूंगी, लेकिन आपको पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट करनी है। ठीक है बच्चों। तो घर में रहो, सुरक्षित रहो, और अच्छे से